नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल में। परवल की खेती, तो शुरू से अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें। हमारे किसान भाई कुछ कमेंट किए थे कि सर, परवल की खेती के बारे में जानकारी दें, लगाना चाहते हैं। बहुत सही समय है, जो हमारी फसल थी वो उसका फल कम हो गया है आना, नई फसल शुरू है। 15 अक्टूबर तक इसको लगा सकते हैं। अगर आप सरसों की बुआई कर रहे हैं तो 5 फुट गड्ढे से गड्ढा और 5 फुट लाइन से लाइन की दूरी, 1 फुट गहरा गड्ढा करने के बाद में गोबर की सड़ी खाद खेत में बिखेर के अच्छी से 15 अक्टूबर तक लगा दें और सरसों की बुआई कर दें। जब सरसों की कटाई हो जाएगी तो खेत खाली हो जाएगा। उसके बाद में अच्छी से गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद में जड़ों के पास DAP पोटास सुपर 50-50 ग्राम की मात्रा में चारों तरफ गुड़ाई करने के बाद जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा दें। उसके बाद में जब पूरी खेत की गुड़ाई हो जाएगी, गुड़ाई करने के बाद में आप पत्ती, गन्ने की सूखी पत्ती को बिछा दें, लेयर बना दें, जिससे कि खरपतवार भी नहीं होंगे और उसके ऊपर पूरी तरह से ये फैलती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, तो फसल अवशेष बिछा देने चाहिए, खेत मुलायम रहेगा, खरपतवार नहीं होंगे। फिर आपके ये मार्च पहले हफ्ते से फल देना शुरू हो जाता है, फिर ये 8 या 9 महीने तक ये फल देती है। साथ में आप लाइनों में दूसरी भी फसलें ले सकते हैं, अरहर, हल्दी, मिर्च की और अदरक की लाइनों में दे सकते हैं। 8 या 9 फुट पे लाइन की दूरी रखें, दूसरी फसलों की बुआई करें। बहुत ही अच्छा ये एक बेनिफिट है किसान भाइयों। बहराइच जो ज़िला है, काफ़ी क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है, जो दूर दूर से किसान इसकी नई ये शाखाएँ लेने आते हैं रोपाई करने के लिए फसल की। तो आप लोगों को मैंने इस जानकारी दिया है, कमेंट बॉक्स में कोई जानकारी तो पूछ भी सकते हैं हमारे किसान भाई। और इस चैनल पे खेती के संबंधित जानकारियां लाई जाती हैं किसान भाइयों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किसान हित में आप लोगों को करना है, हर सभी तक पहुँच। ये देख सकते हैं अरहर की भी इसमें देखिए लाइनें ली गई हैं, खेती ली गई है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो सह फसली एक मिश्रित खेती कहें। देखिए इस प्रकार से जो लताएँ होती हैं इसको काट लिया जाता है जब फल आना बंद हो जाए, देख सकते हैं वीडियो में। यही लताएं किसान भाइयों लगाई जाती हैं 1 फुट गहरे गड्ढे में। तो इस बात का ज़रूर आप लोग ध्यान रखें, और ज़्यादा इस पर स्प्रे वगैरह नहीं, ना कीड़े ज़्यादा लगते हैं। कोई नॉर्मल दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 1500 या 300 PPM का जो नीम का तेल आता है, हफ्ते में एक बार स्प्रे करें। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें, पानी की निकासी ज़रूर होनी चाहिए जिस खेत में इसकी आप फसल लेते हैं, पानी ज़्यादा देर तक ना रुकता हो खेत के अंदर। किसान भाइयों, इसकी जब तुड़ाई होती है, फल आना शुरू होता है, तो हफ्ते में एक बार किसी भी दिन इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, मंडी में पहुंचा सकते हैं, शहर अपने सिटी में बेच सकते हैं, व्यापारी आपके खेत से भी आके ले जा सकते हैं। और बीघे में अगर अच्छी से लगी हो तो 8-9-10 क्विंटल अक्टूबर माह में जब इसकी हफ्ते में इसकी निकासी होती है पर बीघे में, भाइयों तो अच्छी से लताएं फसल लगी हो तो इसको बहुत खेत से निकाला जाता है। आप देख सकते हैं फसल के रूप में ये है किसान भाइयों, इसको निकाल दिया गया है, तो ये अब इसको लगाया जाएगा, घरेलू जहाँ से नई फसल तैयार होगी बहुत आसानी से चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं किसान भाइयों, तो आप लोग ये परवल की लताएं हैं थ्रू बताने जो नई फसल के लिए लगाई जाएंगी खेतों में। जरूर वीडियो अच्छा लगेगा, अगली फसल इसी से तैयार होगी, तो आप लोग देख सकते हैं, शेयर करेंगे किसान हित में। जो ये लास्ट सितंबर में इसकी पूछ सकते हैं किसान भाइयों, लगाने की शुरुआत होती है, मैं वीडियो लाया करता हूं, सरसों की बुआई करने के बाद उसमें लगा सकते हैं आप। इस चैनल पे वीडियो लाने के लिए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, जो तो कि हमारे कुछ किसान भाई आए थे हुआ है, तो बाहर से मेरे पास लेने के लिए, वहाँ पे कुछ समस्या आ गई थी, हो नहीं पाती है बारिश से, चाहता हूँ जो आप लोगों फसल है ये सूख जाती है, तो नई फसल के लिए फिर उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं किसान भाई, आप लोग देख सकते हैं आने वाली है उस पर मैं वीडियो, परवल की लगती है लगाई जाती है, जो सरसों की जो वैरायटियां हैं, प्रजातियां हैं, यहाँ से और जो बरसीन की प्रजातियां हैं अपने पशु बनाने के लिए चलाया गया है, बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां हैं, जो लास्ट अप्रैल तक भी उसकी कटिंग होती है, अच्छा चारा भी मिलता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों आप सभी का।